यूपी चुनाव में मिली करारी हार के बाद मौका होली का था। लग रहा था कि सारा सपा परिवार शायद अब एकजुट हो जाएगा, लेकिन होली के इस मौके पर भी दिलों की दूरियां कम नहीं हुई और ऐसा लग रहा था कि मुलायम सिंह के परिवार में अब भी सब कुछ ठीक नहीं है। असेंबली इलेक्शन में हार के बाद अखिलेश यादव ने सैफई में तो शिवपाल यादव ने इटावा में अपने सपोर्टर्स के बीच होली मनाई। कहा जा रहा है कि होली के मौके पर दोनों के बीच दूरियां कम नहीं हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब शिवपाल सिंह यादव होली खेलने सैफई नहीं पहुंचे। इस मौके पर अखिलेश ने सपा की हार और बीजेपी की जीत पर कहा, जनता का फैसला हमें स्वीकार है, आगे और मेहनत करेंगे। बता दें कि असेंबली इलेक्शन के पहले से ही यादव परिवार में खींचतान चल रही थी। आपको बता दें कि सैफई यादव परिवार का पैतृक गांव है। हर साल फेस्टिवल या किसी प्रोग्राम के मौके पर पूरा सपा कुनबा यहां जमा होता है। जानकारों के मुताबिक यादव परिवार ने अब की बार बस नाम मात्र के लिए ही होली मनाई है। कहते हैं होली प्रेम और एकता का प्रतीक है और इस दिन दुश्मन भी अपने सारे गिले शिकवे भूलकर एक हो जाते हैं। लेकिन देखना होगा कि यादव परिवार अपने सारे गिले शिकवे भूलकर अब कब एक होकर एक मंच पर दिखेंगे।